Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राम मंदिर ट्रस्ट जमीन विवाद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं योगी सरकार के मंत्री भी ताबड़तोड़ पलटवार करने से भी नहीं चूक रहे हैं। इस बीच तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें ट्रस्ट व बीजेपी का विरोध करने के लिए 2 करोड़ का ऑफर दिया गया। महंत परमहंस दास ने गुरुवार को एक पत्र जारी कर कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद में घोटाला नहीं बल्कि आरोप राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज सुबह 7 बजे 2 व्यक्ति पहुंचे और मुझे ट्रस्ट और बीजेपी का विरोध करने के लिए 100 करोड़ का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने खरीद लिया है। अब उनके अनुयायी ट्रस्ट और बीजेपी के विरोध में भी जुट गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं नहीं मानता तो मुझसे कहा गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जीत पर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको ही बनाया जाएगा। जब मैंने कहा कि मैं एक संत हूँ और राष्ट्रहित सर्वोपरि है तो वो चले गए। दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा भेजे गए थे। गौरतलब है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर हंगामा बरपा तो साधु संत भी सामने आने लगे। शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी और रामालय ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रस्ट को सीधे तौर पर कठघड़े में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर ट्रस्ट बनाया गया है, इसलिए उसका उद्देश्य श्री राम के आदर्शों की स्थापना है। इस विवाद पर शीघ्र से शीघ्र निष्पक्ष लोगों की जाँच कमेटी बनाई जाए और जिन लोगों पर आरोप लगा है जाँच की सच्चाई सामने आने तक उनको हर तरह के दायित्वों से मुक्त कर दिया जाए। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि बंद आंखों वाला भी देखेगा तो 2 मिनट पहले कोई चीज 2 करोड़ की होती है और 8 मिनट बाद 8 करोड़ की हो जाती है। यह नहीं हो सकता, लेकिन आपने करके दिखा दिया और आप कहते हैं कि एकदम सही है, आपको जांच से भागना नहीं चाहिए। उन्होंने ट्रस्ट के सचिव जो चंपत राय हैं और ट्रस्ट अनिल मिश्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने गवाही दी है उन्होंने रजिस्ट्री कराई है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।